नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा शनिवार 24 जुलाई को अमृत काल और सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। इसके अलावा उत्तर शाणा नक्षत्र और विषकुंभ योग बनेगा। गुरु पूर्णिमा पर प्रति योग रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी शनिवार को ही होगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन गुरु की पूजा का खास महत्व है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ आज यानी कि शुक्रवार 23 जुलाई को सुबह 10:43 से हो चुका है, लेकिन शनिवार 24 जुलाई प्रातः 8:07 तक ये रहेगा और उदयकाल तिथि होने की वजह से गुरु पूर्णिमा को 24 जुलाई को ही मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो गुरु पूर्णिमा पर्व गुरुजनों को ही समर्पित है। शिष्य अपने गुरुदेव का इस दिन पूजन करते हैं। वहीं जिनके गुरु नहीं हैं, वो अपना नया गुरु इस खास दिन पर बना सकते हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर बार की तरह पारंपरिक रूप से गुरु अपने शिष्य के कान में दीक्षा मंत्र नहीं सुना पा रहे। ये लगातार दूसरी बार है जब गुरु कागज पर लिखकर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही अपने शिष्य को गुरु मंत्र दे सकते हैं। ये मंत्र सद्मार्ग और मोक्ष का कारण बन सकता है, लेकिन अगर आप इस दिन गुरु नहीं बना रहे हैं तो ऐसे में घर के मंदिर में किसी चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर चंदन से 12 सीधी और 12 आड़ी रेखाएं खींचकर व्यास पीठ बना लें। इसके बाद गुरु पूजन का संकल्प लें और गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थम व्यास पूजाम करिष्ये मंत्र बोलकर 10 दिशाओं में चावल को छोड़ें। इसके बाद अपने ईष्ट को याद करें या फिर भगवान शिव या भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूजा करें और दक्षिणा दें। इसके बाद आरती उतारें। पूजा संपन्न होने के बाद घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।